जल को बदलने में वक्त लगता है, जल को बदलने में वक्त लगता है, इसको निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हौसलों से किस्मत बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, और सबके जीवन में ऐसा होता है। कहा गया है कि अगर आप सच के साथ हैं और सच्चे दिल से और मन से अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सफलता पाएंगे, एक ना एक दिन निखरेंगे जरूर और लोगों के बीच में जाएंगे, और लोग आपको याद करेंगे, आपको मानेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे कि हाँ कुछ ऐसा भी चीज़ होता है कि उन्होंने सब्र किया, उन्होंने मेहनत किया, आज इस पायदान पे हैं। तो ये सच्चाई है, रियलिटी है, लेकिन लोग कर नहीं पाते, हार मान जाते ज़िंदगी में। कहा गया है ना, जो ज़िंदगी में हारा नहीं वो कभी जो है जीता ही नहीं। हारो, जितना मन के उतना बार हारो, लेकिन एक बार जीत के दिखाओ, सारे हार आपके उस जीत के नीचे जो है दब जाएंगे। ये रियलिटी है, ये लाइफ और आपकी ज़िंदगी की जो है सच्चाई है, और इस दुनिया की ये हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो ला में हो। ठीक, ला का मतलब ये कि एलएलबी चाहे 3 ईयर्स में हो, चाहे वो लोग जो है 5 ईयर्स के जो है किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से हो। तो आपको पता होगा कि जो है सारे यूनिवर्सिटी जो है आजकल जो है NEP से जो है ऐड हो गए, मतलब जुड़ गए, सारे जगह पर जो है NEP का जो है सिलेबस चलता है। तो बच्चे परेशान हैं किसके लिए, क्योंकि उनके सेमेस्टर एग्जाम जो है सारे यूनिवर्सिटी जहाँ तक जो है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, DD यूनिवर्सिटी हुआ, BHU हुआ, इलाहाबाद हुआ, DU हुआ, इसके बाद आपका जो है करके जो कानपुर का यूनिवर्सिटी हुआ, इसके बाद जो है फैजाबाद यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इसके बाद आपको बता दूँ जो है मेरठ यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटी जो है NEP से अटैच हैं। इन सारे यूनिवर्सिटी में जो है आपके जो है सिलेबस जो है मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे कर दिया जाता है, बाकी जो है सिलेबस जो है जहाँ तक जो है पूरा जो है टोटल जो है मिलता ही है। और सारे यूनिवर्सिटी में जो है पैटर्न भी जो है सेम रहते हैं, हो सके जो है कहीं थोड़ा बहुत जो है चेंज हो, लेकिन जहाँ तक मुझे जो है पता है और मेरे जो है हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं और हर एक अफिलेटेड कॉलेज में जो है स्टूडेंट हैं। ठीक, चाहे एक ही स्टूडेंट हो लेकिन है जरूर, चाहे वो LLB 3 ईयर्स का हो, चाहे वो जो है LLB 5 ईयर्स का हो, किसी भी सेमेस्टर का तो जरूर है। तो मुझे वो चीज़ें पता है, मुझे जो है सबके जो है सिलेबस जो है सब लोग भेजते हैं। तो बच्चे परेशान इस बात से हैं, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा और किस तरह से मिलेगा, क्या वहाँ से आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, क्या मुझे यूट्यूब पे मिलेगा कि और जगह मिलेगा, और कब मिलेगा। तो देखिए आपको बता दूँ जो है यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से सुनिएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है, आप लोग जो है टाइम भी देख सकते हैं, सेम टाइम जो है आपके जो है इसमें घड़ी में जो है 1:35 हो रहा है, रात में 1:35 पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रहे थे। मैं अपने ऐप पर ही जो है काम कर रहा था, अभी जो है बैठ करके ही सारी चीज़ें कर रहा था वो आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जल्द सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में आ जाए। ठीक, तो आपको बता दूँ जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, चाहे उसके एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी भी दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको और एक चीज़ बता दूँ जो है कि जो है सारे यूनिवर्सिटी के जो है सिलेबस जो है सेम जो है पैटर्न पे होते हैं, प्लस जो है एग्जाम पैटर्न भी जो है सेम ही जहाँ तक होता है, चाहे वो LLB 3 ईयर्स के स्टूडेंट हो, चाहे 5 ईयर्स के स्टूडेंट हो, मतलब पैटर्न यही होता है कि टॉप 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन करना रहता है, करीबन 3 से 4 पेज जो है एक क्वेश्चन को करना रहता है और देना पड़ता है। जहाँ तक जो है कानपुर यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा बहुत जो है पैटर्न में चेंज करती है, लेकिन जो है वहाँ भी जो है अक्सर करके जो है यही पैटर्न चलते हैं। बट अगर आप लोग जो है अलग यूनिवर्सिटी से हो जहाँ आपका पैटर्न चेंज हुआ होगा, जहाँ आप लोग जो है NEP के थ्रू नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो जहाँ तक जो मुझे लग रहा है कि सारे यूनिवर्सिटी जो है ये इसी बेस पे चलते हैं, सेम बेस पर जो है यही जो है पैटर्न उनका रहता है। तो आपको बता दूँ जो है बच्चे यही क्वेश्चंस कर रहे हैं
कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारे टेन जो आप जो है हमेशा बताते हैं टॉप टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बता दूँ आपको सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर तो मिलेंगे ही। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए हिंदी हो या इंग्लिश, आप लोगों को जो है मेरे जो है ऐप पर मिलेगा, एमएस क्लासेस के ऐप पर, क्योंकि जो है ऐप बहुत जल्द आने वाला है। अभी मैं जो है करीबन आधे घंटे बाद जो है इसे अपलोड कर लूँगा। सारे टेस्टिंग हो चुके हैं, वेरीफाई हो गया प्ले स्टोर की तरफ से, अब जो है प्ले स्टोर वेरीफाई हो चुका है जो है प्ले स्टोर की तरफ से और गूगल की तरफ से। अब जो है क्या पारी, अब जो है उस प्ले स्टोर पे जो है डालना है, मतलब प्ले स्टोर पे जो है अपलोड करना है। प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे तो वो 2 से 3 दिन और लेता है टाइम, इसके बाद जो है वहाँ शो होने लगेगा। तो अब 3 से 4 दिन आपको वेट करना होगा। अगर आपके जो है एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो आप लोग मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं कल ही भेज सकता हूँ, परसों ही भेज सकता हूँ। लेकिन जो है जैसे ही जो है ये ऐप आ जाएगा वहाँ पर जो है आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वहाँ जो है आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा बहुत रहेगा ये कि अगर आप लोग फ्री में लेना चाहते हैं तो फ्री में लीजिएगा, अगर आप लोग जो है थोड़ा बहुत जो है चार्जेस अबाउट का, बट इसमें यह है कि जो है आपको थोड़ा बहुत जो है चार्ज देना पड़ेगा, करीबन जो है एक सब्जेक्ट के 7 से 8 रुपये 9 रुपये, मतलब टोटल मिलाकर के जो है 30 या 21 या 49, मतलब जो अगर आप पीडीएफ चाह रहे हैं। बाकी अगर आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं तो यूट्यूब पे मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगा, आपको पता होगा मैं पढ़ा भी रहा हूँ बता भी रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मेरे हाथ का लिखा हुआ चाहिए सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी नोट्स भी वहाँ मिलेगा, मैं नोट्स के बारे में एक वीडियो के माध्यम से बताया भी हूँ और बताऊँगा भी, जैसे ही ऐप आएगा आपको इंस्टॉल करना है और वहाँ सारी सुविधाएँ मिल पाएंगी जो मैं यूट्यूब पर नहीं दे पाता हूँ। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। आप वेट करिए, इंतज़ार करिए, 2 से 3 दिन और इंतज़ार करिए, बस आपके बीच में जो है बहुत जल्द जो है, अभी मैं जो है इस वीडियो को शूट करने के बाद तुरंत जो है मैं उस पर जो है टेस्टिंग पे लगा दूंगा, अपलोड होगा। करीबन जो है 1-1.5 घंटे लगेंगे अपलोड होते हैं, क्योंकि उसमें जो है कंटेंट लिखना रहता है, सब कुछ जो है टाइपिंग मांगता है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत हार्डवर्क पड़ता है, करीबन 1-1.5 महीने से उस चीज़ को जो है मैनेज करना, ये सब सारी चीज़ें जो है। तो आप लोगों के लिए जो है मैं इतना परेशान हूँ, इतनी रात को जाग रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि सर कब तक आ रहा है, कब तक आ रहा है। जो बेनिफिट जो है अलग चैनल वाले देते हैं वो पैसा लेते हैं, ज़्यादा कष्ट करते हैं, दिक्कत करते हैं। आप जो है जल्द से जल्द लेके आइए और आपके चैनल पर जो है हो सके जो है कुछ चीज़ें जो है फ्री में रहे, कुछ चीज़ें में पैसा लगेगा लेकिन बहुत कम पैसा लगेगा, मात्र पैसा बस थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि चार्जेस इसलिए ले रहा हूँ, आपको बता भी दे रहा हूँ, उसमें सच्चाई है, उसमें रियलिटी है कि जो है जैसे आज ये व्हाइट बोर्ड है और जो है अलग अलग तरीके से है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें आप लोगों का योगदान है, आप लोगों की ही मेहनत से जो है सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय जो है बढ़ता रहे। बाकी जो मेरा योगदान था मैंने जो है किया, अब आप लोगों की देन है। ठीक, बाकी तो कर सकता हूँ मैं, मेरे पास उतना ज़्यादा बैलेंस उतना सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ मैं नहीं सोच रहा हूँ, खुद सोच रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से करूँ और इस यूट्यूब से ही करूँ, आप लोगों के पैसे से करूँ थोड़ा बहुत कुछ जो भी करना होगा। ठीक, तो इसलिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसमें झूठ बोलने की कोई जो है गुंजाइश नहीं है, ना तो जो है मैं झूठ बोलता हूँ, आपको पता होगा। ठीक, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली, बस 2 से 3 दिन वेट करिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉप 5 भी मिलेंगे, टॉप 10 भी मिलेंगे। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, ठीक, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास। सांस लेने का नाम ही नहीं जिंदगी है, सांस लेने का नाम ही नहीं जिंदगी। यहाँ पर जो है जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, यहाँ पर जो है जिंदा वही इंसान है जिसका विश्वास जिंदा है, जिसका विश्वास जिंदा है। तो सही है और रियलिटी है, आप भरोसा रखिए, विश्वास करिए, आप तभी जो है यहाँ है और इस पृथ्वी पे है। अगर आपके अंदर विश्वास नाम का चीज़ नहीं है, पहले नंबर जो है आप खुद पे विश्वास करिए, इसके बाद जो है दूसरे पे विश्वास करना जो है स्टार्ट करिए, क्योंकि लोगों को जो है अपने खुद पे नहीं विश्वास रहता है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा, मैं ये सेमेस्टर एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा, मेरा जो है इसमें स्कोप आगे बढ़ पाएगा। ये चीज़ आप गलत फहमी करते हैं, इस पर मैं जो है आपको मोटिवेशन के तौर पर संडे को जो है स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि आप अपने ऊपर कैसे विश्वास बना सकते हैं। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।